दो अलग अलग तस्वीरें गाजियाबाद से। पहले में कांवड़ यात्रा को लेकर इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी ने फीता काट कर किया, और दूसरी में गाजियाबाद के थाना इंद्रापुरम में कांवड़ यात्रा को लेकर लगा भयंकर जाम। हर साल कांवड़ यात्रा से पहले तमाम दावे किए जाते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था ठीक रहेगी, आम जनता को परेशानी नहीं होगी, मगर यात्रा का वक्त आते ही दावों के इन गुब्बारों की हवा किस तरह निकलती है आप भी देखिए। गाजियाबाद के थाना इंद्रापुरम में कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था ठप पड़ गई। सड़क पर खड़े ये वाहन हिल भी नहीं रहे थे। खचाखच भरी सड़क पर जितनी दूर तक देखिए गाड़ियों का काफिला था। बड़े ट्रक, कारें या दोपहिया वाहन सब इस जाम से जूझ रहे थे, और इस जाम की वजह से किस तरह आम आदमी बेहाल था वो सबके चेहरों पर दिख रहा था। दरअसल गाजियाबाद के कई इलाकों से डाक कावड़ निकल रही है, उसी को लेकर पूरे दिन लंबा जाम लगा रहा। किस दिशा से वाहन आया है, किधर मुड़ना है, कहां फंसे हैं, कुल मिलाकर कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर हरी बत्ती हाथ में लेकर पुलिस ने मोर्चा संभाला भी तो रेंगती हुई गति से वाहन आगे बढ़े। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया गया, जिसमें मेरठ रोड से लेकर मुरादनगर तक करीब 250 आधुनिक कैमरे लगाए गए हैं, जिससे जनपद की कांवड़ यात्रा पर नजर रखी जाएगी। इसमें नगर निगम की भी भूमिका है, सड़कों की मरम्मत कराने से लेकर प्रकाश की समुचित व्यवस्था कराने तक। जिलाधिकारी ने इसके बारे में बताया। धार्मिक यात्रा है सावन मास की और कांवड़ यात्रा, उसको जनपद गाजियाबाद में सुगम सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस विभाग, हमारा नगर निगम और हमारे जो स्थानीय नगरीय निकाय हैं और हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं और जिला पंचायतें हैं, ये सभी मिल करके इस यात्रा में अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने विगत वर्ष के अनुभव को देखते हुए सबसे पहले कांवड़ मार्ग पे ध्यान दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारा जो गंग नहर पे जानी बॉर्डर से लेकर के मुरादाबाद जो छोटा हरिद्वार बोलते हैं वहाँ तक की जो नहर की पटरी थी उसको पूरी तरह से सुरक्षित और पेंटेड कराई गई, और इस कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग में जो है इसके लिए धनराशि उपलब्ध कराई और वो हॉट मिक्स रोड के रूप में जो है बन चुकी है। इसी तरह हमारा जो मुख्य कांवड़ मार्ग था, पुराना परंपरागत कांवड़ मार्ग था जो पाइपलाइन रोड था, उसकी हालत भी बहुत ख़राब थी, वो भी जो है प्रदेश सरकार के प्रयास करने के बाद उसके लिए भी पैसा प्राप्त हुआ, और वो भी हमारा जो गंग नहर से लेकर के जो हमारा मुरादनगर गंग नहर से लेकर के और सीधा लोनी बॉर्डर तक वो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में हॉट मिक्स जो है वो बन करके तैयार हो गई। हमारा जो मुख्य कादराबाद से लेकर के जो हमारा सीमापुरी बॉर्डर तक का मार्ग था, ये मार्ग NCRTC का हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस पर चल रहा था, जिसको लेकर के कुछ स्थानों पर रोड खराब थी, जिसको हमारा NCRTC ने इसको मरम्मत किया, और साथ ही जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ से लेकर के सीमापुरी बॉर्डर तक PWD ने इसकी मरम्मत की। लेकिन इसमें मरम्मत होने के तत्काल बाद जो है वो बहुत बड़ी बारिश हुई, और आप सभी जानते हैं कि जनपद गाजियाबाद में जो बारिश हुई है वो सामान्य दिनों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा, मुख्यतः जो है वो 20 से 25 mm बारिश जो है नॉर्मली होती है एक दिन में, लेकिन 24 घंटे के अंदर जनपद गाजियाबाद में लगभग 150 mm के ऊपर बारिश होने के कारण जो है जो तुरंत मरम्मत किए गए कार्य थे उसमें वो खराब हुए हैं, उनके पुनः मरम्मत का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। तो इस प्रकार हमारा जो कांवड़ मार्ग होगा वो हमारा मुख्य कांवड़ पर्व आने तक पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। बता दें कि इस इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम की ओपनिंग पर जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और DCP तीनों मौजूद रहे, मगर जनता को असली राहत तब मिलेगी जब ये सही तरीके से काम करेगा और आम जन को जाम से छुटकारा मिलेगा। NVT ऑनलाइन के लिए गाजियाबाद से मनीष सिंह की रिपोर्ट।